सत श्री अकाल डी फाइव चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करदा। श्री अकाल तख्त साहब के नवे बने जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने अपना अहुदा संभाल लिया है, यानी कि जो जिम्मेवारी उन्होंने दिती गई है वह जिम्मेवारी उन्होंने संभाल ली है। श्री अकाल तख्त साहब विखे वड्डा समागम किया गया जिदे विच सिख धर्म नाल संबंधित वड्डियां शख्सियतां ने हाजिरी भरी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी भी मौजूद रहे। श्री अकाल तख्त साहब के सबका जिहड़े कार्यकारी जथेदार हो चुके ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह वह भी मौके उत्ते मौजूद रहे। होर भी कई शख्सियतां मौजूद सन, वड्डा इकट्ठ संगत का भी देखने को मिलिया। इसे दे चलदियां श्री अकाल तख्त साहब नूं नवा जथेदार मिलिया ज्ञानी रघुवीर सिंह होरां दे रूप दे विच। इस तों पहलां भी ज्ञानी रघुवीर सिंह वख-वख अहुदियां दे उत्ते अपनियां सेवावां निभा चुके ने ते इस तों पहलां उह तख्त श्री केसगढ़ साहब दे जथेदार सन। ते नाल ही ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरी पहला श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार सन, जिस तो बाद उन्होंने अपना अहुदा छड्डिया ते ज्ञानी रघुवीर सिंह होरां नूं श्री अकाल तख्त साहब का जथेदार थापिया गया। इसे दे चलदियां तख्त श्री दमदमा साहब के जथेदार बने रहणगे ज्ञानी हरप्रीत सिंह ते दूजे पासे जिहड़ा अहुदा छड्ड के ज्ञानी रघुवीर सिंह बने ने जथेदार बने ने वह अहुदा सीगा उन्हां कोल जथेदार साहब का ही अहुदा सी तख्त श्री केसगढ़ साहब का। तो उस अहुदे दे उत्ते हुण ज्ञानी सुल्तान सिंह नूं लगा दिता गया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों यह फैसला लिया गया सीगा। इसे ते चलदियां तुहानूं दस दईए कि राघव चड्ढा जो मैंबर राज सभा ने उन्हां दा मंगणी समागम होया दिल्ली दे विच, जिहदे विच उस वेले दे जिहड़े जथेदार सन कार्यकारी ज्ञानी हरप्रीत सिंह उन्होंने शिरकत की सी, जिस तों बाद काफ़ी विवाद खड़ा होया सी। विरोधियों ने भी जथेदार साहब नूं घेरना शुरू करता सी, इत्थों तक कि श्रोमणी अकाली दल दे वड्डे लीडरां ने भी इस दी निखेधी की सी। उस तों बाद दे विच इह वी कंसुआं सन कि जथेदार साहब नूं हटाया जा सकदा है ते काफ़ी तरह के सवाल खड़े हुए सी। तो अचानक जथेदार साहब ने अपना अहुदा छड्डिया, जिस तों बाद दे विच ज्ञानी रघुवीर सिंह होरां नूं इह अहुदा दित्ता गया है। ज्ञानी रघुवीर सिंह वख-वख अहुदियां दे उत्ते पहलां भी विराजमान रह चुके ने, हैड ग्रंथी भी रह चुके ने, वो तख्त श्री केसगढ़ साहब के जथेदार भी रह चुके ने ते हुण श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार बने ने। तो अज वड्डा समागम किया जा रहा है जिहदे विच सिख कौम दीआं वड्डीआं शख्सियतां मौजूद ने, कीर्तन किया गया है, पाठ किए गए ने। तो इस तों बाद संगत वल्लों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों सिख शख्सियतां वल्लों श्री अकाल तख्त साहब के नवे बने जथेदार साहब नूं जिम्मेवारी सौंप दित्ती गई है ते वो पूरे तरीके दे नाल पूरे रीति रिवाजों के मुताबक अपने अहुदे दे उत्ते विराजमान हो गए ने। कैमरामैन गुरप्रीत सबरवाल दे नाल मैं धर्मेंद्र संधू, जुड़े रहो डी फाइव चैनल पंजाबी दे नाल। डी फाइव चैनल पंजाबी ते होवेगी भख दे मुद्दयां दी गल, सियासी पार्टियां नूं करांगे सवाल ताकि लोक मसले होण हल। 5 जून तो लैके आ रहे हैं तुहाडे भरोसे दे साथी डी फाइव चैनल पंजाबी ते पंजाब डिबेट। सोमवार तो शुक्रवार तक शामी 6 बजे तो 7 बजे तक वेखना ना भुलना पंजाब डिबेट। निडर हां, निरपक्ष रहा, आजाद हां, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल। सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन के, होणगे हर पहलू ते रोस चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल। डी फाइव चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਚੰਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।